आज की हमने फ़ोटो को सिलेक्ट किया, इस वाली को आपने लाइट रूम ऐप में एडिट करने के लिए कि इसे हम अपने लाइट रूम ऐप में एडिट कैसे कर सकते हैं। तो आज को आप मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कलर ग्रेडिंग का कि हम अपनी इस फोटो में कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइट को एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसमें कलर ग्रेडिंग। इसका कंट्रास्ट है इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, हाईलाइट को भी माइनस कर देंगे, शेडो बढ़ा देते हैं, वाइट को भी थोड़ा सा प्लस करेंगे और ब्लैक को -10 कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे कलर ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन का। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वाइब्रेंस है इसको थोड़ा सा प्लस कर देना और नीचे सैचुरेशन इसको +4 कर देना। इतना करने के बाद ऊपर कलर मिक्स में आ जाना। कलर मिक्स में आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर मर जाएंगे कलर ग्रेडिंग के लिए। जो मेन दो कलर होते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए वो होते हैं ग्रीन एंड येलो। जो फर्स्ट वाला कलर होता है ये आता है हमारे लिप्स का कलर, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे और इसकी ल्यूमिनस भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ह्यू को थोड़ा कम कर देंगे। सेकंड जाएंगे ऑरेंज कलर पे, ये होता है हमारे स्किन टोन का कलर। अगर आपके चेहरे पे ब्राइटनेस ज़्यादा तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर दूँगा। इतना करने के बाद अब हम जाएंगे ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में आने के बाद इसकी जो सैचुरेशन है इसको +100 और इसकी जो ह्यू है इसको प्लस कर देंगे, ल्यूमिनस को थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे येलो कलर में। येलो कलर में आने के बाद इसकी जो ह्यू है इसको थोड़ा प्लस कर देंगे और इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद ल्यूमिनस को थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ब्लू कलर में। ब्लू कलर में आने के बाद इसकी जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा प्लस करेंगे, बढ़ा देंगे और ल्यूमिनस को कम कर देंगे। ल्यूमिनस को कम करने से और सैचुरेशन को बढ़ाने से हमारी जो शर्ट का कलर है वो ब्लू हो चुका है। उसके बाद यहाँ से करेंगे हम डन। डन करने के बाद अब हम आएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। आप क्लैरिटी देख रहे हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और डी एस को थोड़ा सा प्लस कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम करें जाएंगे मास्किंग पे। प्लस वाला आएंगे पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट सब्जेक्ट करें, यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। लाइट वाले ऑप्शन पे आके इसका एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, हाईलाइट को भी माइनस कर देंगे, वाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ब्लैक को माइनस कर देंगे। उसके बाद जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर और डी एस है इसको थोड़ा सा प्लस कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से करेंगे डन। डन करने के बाद अब ब्लर रिलेशन पे आके ब्लर को थोड़ा सा ऐड कर लेंगे अपनी फ़ोटो में। यहाँ से ब्लर को ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से जाएंगे मास्किंग पे। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और लीनियर ग्रेडिएंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी फ़ोटो के नीचे वाले हिस्से को हम थोड़ा सा कर लेंगे ब्लैक, थोड़ा सा डार्क शेड देंगे। तो क्या करेंगे, लाइट रिलेशन पर आएंगे, इसका एक्सपोजर इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, हाईलाइट को भी माइनस कर देंगे और जो है शेडो इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे और ब्लैक को भी माइनस कर देंगे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आके डीएस को भी थोड़ा सा प्लस कर देंगे। यहाँ से करेंगे डन। देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड फोटो के नीचे वाला हिस्सा वो अभी डार्क हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी पिक्चर हो गई है फाइनल। अगर आपको मेरी फोटो अच्छी लगी हो, एडिटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और वीडियो को लाइक भी करेगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर जिस भाई के पास लाइट रूम का प्रो वर्जन नहीं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकता है, मैं उसे वहाँ पे डायरेक्ट लाइट रूम का प्रो वर्जन दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री।